नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंड। तो देखेंगे अभी किस संदर्भ में इसे लिखा गया है, एक इसका सामान्य परिचय देख लेंगे, पृष्ठभूमि देख लेंगे, पिछले ई आई ए मानदंड के साथ समस्याएं क्या थी और नए मापदंड इनमें क्या है और नए मानदंडों के साथ भी समस्याएं क्या हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखिए, आर्टिकल किसी के द्वारा भी लिखे जाए, फिर चाहे विपक्ष सरकार की विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उसमें आपको पॉइंट आंसर राइटिंग के लिए मिलते हैं, तो आपको बस पकड़ना है, उन पॉइंटों को ढूंढना है, ठीक है। और आप, मुझे लगता है कि अगर अच्छी लेवल में पहुंच गए हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की, तो आपके अंदर इतनी तो क्षमता आ गई होगी को आप पॉइंट जो आपको लिखना है वो पकड़ना तो सीख गए होंगे। आप इतनी अच्छे से जानते हैं ये बात कि आपको ना तो नेगेटिविटी लिखना है पूरी, यानी कि नकारात्मक नकारात्मक। अब सरकार के बारे में कुछ लिखने के लिए आ गया तो पता चला आपने सकारात्मक अच्छाई अच्छाई लिख दी सरकार की, तो ये भी नहीं करना है। और आपको एकाएक बुराइयां बुराइयां भी नहीं लिखनी है कि आपने मालूम चला है कि आपसे सरकार के बारे में पूछ रहा है, उसमें आपने बुराई ही बुराई भर दी। आपको दोनों का एक बीच का रास्ता बनाना है और बैलेंस बनाना है और लिख देना है। याद रखिए, सरकार जब सत्ता में हो उसके विरोध में मत लिखना ज्यादा, एक बैलेंस बनाकर बहुत अच्छे से लिखना, समझ रहे हैं आप लोग। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 अगस्त तक ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ई आई ए के अधिसूचना 2020 पर जनता की प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 अगस्त तक ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अधिसूचना 2020 पर अपनी पर जनता की प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाई है। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस आपातकाल राजपत्र मसौदे के प्रकाशन में 19 दिनों की देरी की थी, इसलिए जब हजारों लोगों ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अनिवार्य 60 दिवसीय विंडो विस्तार की तलाश करने के लिए ईमेल किया, तो पर्यावरण मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने 10 अगस्त तक 60 दिनों के लिए अनुमति देने के लिए उपयुक्त माना, यानी कि बढ़ा दिया गया। पर्यावरण पर स्टॉकहोम घोषणा 1972 के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता और भारत में जल 1974 और वायु प्रदूषण, वायु 1981 प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जल्द ही कानून बनाई, लेकिन 1984 में भोपाल गैस रिसाव आपदा के बाद ही देश में 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अम्बेला अधिनियम बनाया। कौन सा अम्बेला अधिनियम बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारत ने 1994 में अपने पहले ई आई ए मानदंडों को अधिसूचित किया और जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग उपभोग और प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक विधिक ढांचा स्थापित किया। हर विकास परियोजनाओं को पहले से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ई आई ए प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है। याद रखिए, भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी ये 1984 की बात है, 2-3 दिसंबर रात की बात है, ठीक है, 1984 की, ठीक है, याद रखना है इसमें। और इसमें एक गैस भी पूछ लेता है, कई बार आपका पूछ लिया गया है, मेथाइल आइसोसाइनाइड MIC मिक नामक गैस, जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। ये आपका वन डे एग्जाम में भी पूछ लेता है, कभी कभी आपका प्रीलिम्स में भी आ जाता है इस तरह की क्वेश्चंस। इसीलिए तो बोलता हूं कि हमेशा प्री और मेंस दोनों साथ लेकर चला करिएगा। अगर आप सोचिए कि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद आप मेंस की तैयारी करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस को, तो आपको दोनों को ही लेकर चलना है, उसी में आपका प्री भी प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा। 1994 में ई आई ए अधिसूचना को 2006 में संशोधित मसौदे के साथ बदल दिया गया। इस साल की शुरुआत में सरकार ने 2006
6 से जारी संशोधनों और प्रासंगिक न्यायालयों के आदेशों को सम्मिलित करने और EIA की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए इसे पुनः संशोधित करने का विचार किया जा रहा है। अगर पिछले EIA मानदंडों की समस्याओं के साथ क्या समस्याएं थी उन पर बात करें तो हालांकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थापित EIA प्रक्रिया कई बार संदेह के घेरे में रही है। उदाहरण के लिए पर्यावरण पर परियोजनाओं की संभावित हानिकारक प्रभावों पर रिपोर्ट EIA प्रक्रिया का आधार अक्सर कम दक्ष और सलाहकार एजेंसियां होती हैं जो इसका प्रयोग कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं तथा वास्तविक रिपोर्ट नहीं देती हैं। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक क्षमता का अभाव समस्या को और दुरूह बना देता है। दूसरी ओर डेवलपर्स की शिकायत है कि EIA शासन ने उदारीकरण की भावना को कम कर दिया है जिससे लाल फीताशाही और नकरशाही को बढ़ावा दिया गया है। 2014 में प्रोजेक्ट क्लियरेंस में देरी चुनावी मुद्दा बनकर उभरी थी, आपने देखा होगा। फिर है अब नए मापदंड। इसमें नए मापदंड क्या है? नए मापदंड का मसौदा EIA यानी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया पर राजनीतिक और नौकरशाही के लिए कोई उपाय नहीं करता है। स्थिति के अतिरिक्त या पर्यावरण की सुरक्षा में सार्वजनिक सहभागिता को सीमित करते हुए सरकार की विवेकाधीन शक्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है, जबकि राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को स्वाभाविक रूप से रणनीतिक माना जाता है। सरकार को अन्य परियोजनाओं के लिए रणनीतिक ट्रैक पर निर्णय लेना। इसके अतिरिक्त नया मसौदा सार्वजनिक परामर्श से परियोजनाओं की लंबी सूची को छूट देता है। उदाहरण के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और पाइपलाइन जैसी रेखिक परियोजनाओं को किसी भी सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती है। सीमा क्षेत्र को भारत के सीमावर्ती देशों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 किलोमीटर हवाई दूरी वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। यह पूर्वोत्तर देश की सबसे समृद्ध जैव विविधता के भंडार को कवर करती है। सभी अंतरदेशीय जलमार्ग परियोजनाओं को और सरकार के राष्ट्रीय राजमार्गों के 2 फोकस क्षेत्रों के विस्तार चौड़ीकरण को पूर्व मंजूरी से छूट दी जाएगी। इनमें से 2 सड़कें शामिल हैं जो जंगलों के माध्यम से कटती हैं और प्रमुख नदियों के कटान करती हैं। नए मसौदे में 2 सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस और पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत को छोड़ने के प्रावधान है। पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन करने वाली परियोजनाएं अब मंजूरी के लिए आवेदन कर सकेंगी या बिना मंजूरी के संचालित होने वाली परियोजनाओं के लिए मार्च 2017 में की अधिसूचना का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। अगर हम लोग नए मापदंडों के साथ समस्याओं की बात करें, इसमें आखिर क्या क्या समस्याएं हैं, तो इसमें आपका EIA यानी कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया पहले एक प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और नकारात्मक बाह्यताओं की छानबीन करती है और यह निर्धारित करती है कि क्या यह प्रस्तावित रूप में किया जा सकता है, क्या इसे छोड़ दिया जाना चाहिए या फिर संशोधित किया जाना चाहिए। मूल्यांकन एक विशेष मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है जिसमें वैज्ञानिक और परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञ शामिल होते हैं। EIA अध्ययन के दायरे को फ्रेम करता है और एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें वह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया होती है जहां परियोजना प्रभावित लोगों से आपत्तियों को सुना जा सकता है और IAC तब परियोजनाओं का अंतिम मूल्यांकन कर सकता है और उसे नियामक प्राधिकरण को अग्रेषित कर सकता है जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है। नियामक प्राधिकरण आमतौर पर EAC के निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। EIA के लिए वैश्विक पर्यावरण कानून में आधार निरोधक सिद्धांत है। पर्यावरण नुकसान
पर्यावरण नुकसान अक्सर अपूर्णीय है, कोई भी तेल रिसाव को उलट नहीं सकता है। यह उपाय करने की तुलना में पर्यावरण को नुकसान से बचने के लिए सस्ता है। अनकानूनी रूप से अंतरराष्ट्रीय संधियों और दायित्वों के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय की निर्णयों के तहत निरोधक सिद्धांत से बंधे, चूंकि पर्यावरण पर्यावरणीय विनियमन को पर्यावरण के नुकसान को संतुलित विकास और परियोजनाओं परियोजना के संभावित लाभों के साथ संतुलित करना चाहिए। इसलिए निवेश और नौकरी और बुनियादी ढांचे को लाइन में लगाने से पहले एक निष्पक्ष मूल्यांकन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। हालांकि उद्योगों और व्यवसायिक हितों में लंबे समय से EIA को अपने पक्ष में कांटा माना गया। EIA प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और हाल के निर्णयों के अनुरूप लाने की आड़ में ड्राफ्ट EIA अधिसूचना इसे निष्क्रिय कर देती है, इसके दायरे को कम करने कर देती है। संक्षेप में समस्या यह है कि चूंकि भारत में कानूनों प्रयोग से छेड़छाड़ होती है, अतः इस प्रकार के प्रावधान उद्योगों उद्योग जगत व राजनीतिक गठजोड़ को बढ़ावा देने वाले साबित हो सकते हैं। एहतियाती पर्यावरण विनियमन के लिए इस अभाववादी दृष्टिकोण का फल हाल ही में प्रदर्शन पर रखा गया है। ऑल इंडिया लिमिटेड के संरक्षित जंगलों में से कुछ किलोमीटर दूर असम के तिनसुकिया जिले में तेल के कुएं इस महीने आग की लपटों में घिरे गए हैं। ताजा पर्यावरणीय मंजूरी के बिना विस्तार और संशोधन के लिए हाल ही में प्रक्रियाएं स्पष्ट रूप से हुई हैं। मई में एलजी पॉलीमर की विशाखापट्टनम संयंत्र में एक घातक गैस रिसाव ने 12 लोगों की जान ले ली और सैकड़ों को नुकसान पहुंचाया। आपदा के बाद जो बात सामने आई है वह यह थी कि यह संयंत्र दशकों से वैध पर्यावरणीय मंजूरी के बिना काम कर रहा है। ऐसा ही आपके भोपाल में हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी में, वहां भी इसी तरह की कई परेशानी कई बार हो चुका था छोटे छोटे स्तर पर, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया था। इसी का परिणाम आपने देखा फिर बड़े स्तर पर। कहते हैं कि अभी भी वहां की जनता इससे प्रभावित है, और आप जानते हैं कि एक बार अगर तगड़े से रिसाव हो और धमाका हो तो कई आने वाली पीढ़ियों को भी उसकी उससे प्रभावित होना पड़ता है। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके पर्यावरण प्रभाव आकलन की। ठीक है।